70 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक थी जहीरा। लंदन में पली बड़ी जहीरा ने साल 1969 में हॉलीवुड जेम्स बॉन्ड मूवी ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विसेज में एक भारतीय लड़की की भूमिका निभाई थी। फिर जहीरा मुंबई आ गई और साल 1971 में देवानंद की फिल्म गैम्बलर में साइड रोल में नजर आई। इसके बाद 3-4 फिल्मों में साइड रोल किए। जहीरा परवीन बॉबी की हमशक्ल थी, लेकिन इसका उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिला। इसके बाद जहीरा ने साल 1974 में आई फिल्म कॉल गर्ल में लीड रोल किया था। ऋषि कपूर के साथ भी जहीरा फिल्म जिंदा दिल में साइड रोल में नजर आई थी। फिर फिल्म नौकरी में जहीरा राजेश खन्ना के साथ भी लीड रोल में नजर आई। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने के बाद भी जहीरा का सितारा नहीं चमका। जहीरा को जब काम नहीं मिला तो उन्होंने कुछ बी ग्रेड की फिल्मों में भी काम किया। जहीरा सेंसेशनल रोल करने में भी पीछे नहीं रही। उन्होंने फिल्म धर्मात्मा में फिरोज खान के साथ बेहद ही बोल्ड सीन दिए थे। हिंदी फिल्मों के अलावा जहीरा ने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। हिट होने के लिए जहीरा ने फिल्मों में स्मोक, शराब और बोल्ड ड्रेस तक पहन डाली। लेकिन जब जहीरा को सफलता नहीं मिली तो वो साल 1982 में वापस लंदन लौट गई। बताया जाता है कि जहीरा लंदन में ही है और इंटरनेट से जुड़ा एक व्यवसाय करती है।